हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले लंबे समय से मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ। आज जिस टॉपिक में बोलने जा रही हूँ वो टॉपिक मेरी ही ज़िंदगी से रिलेटेड है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग एक अच्छे रिलेशनशिप को लेकर बहुत कन्फ्यूज होते हैं। ये कहानी मेरी अपनी ज़िंदगी की कहानी है, मेरे अपने प्यार की कहानी, मेरे अपने पार्टनर के साथ मेरी अपनी लाइफ की स्टोरी कि किस तरह से हम मिले और किस तरह से हम अपनी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या चाहिए होता है रिश्तों में, कैसे एक मैरिड लाइफ को बहुत सुंदर बनाया जा सकता है। तो ये कहानी मेरी अपनी ही कहानी है, आज मैं अपनी ही कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। जब हम मिले थे आज से 19 साल पहले, हमारी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज हमने नहीं करी है। ये है कि हम एक दूसरे को वैसे जानते थे, हमने कभी देखा नहीं था, हस्बैंड ने मुझे देखा था, मैंने कभी इनको नहीं देखा। तो ये कहानी हमारी जो है, जो हमारी कहानी शुरू होती है वो, जैसे कि आपको पता है अरेंज मैरिज है तो किसी के थ्रू हमारा रिश्ता आया, बातें हुई। जब पहली बार इन्होंने मुझे देखा और मैंने इनको देखा तो पहली बार में मुझे तो बहुत अच्छे लगे और जो है जैसे हमारी बातें हुई, लेकिन इनको ये लगा कि अभी और लड़कियाँ मैं देख लेता हूँ उसके बाद हम बात करेंगे। तो फिर बात वहीं ख़त्म होगी, हम भी और जगह रिश्ते देखने लगे, ये भी देखने लगे। लेकिन फिर 3 महीने के बाद दोबारा वापस रिश्ता आता है, क्योंकि मेरी भी कहीं बात जो है वो शादी की बन नहीं रही थी, इनकी भी नहीं बन रही थी। 3 महीने के बाद हम दोबारा मिले, हमारे फिर एंगेजमेंट फिक्स हुई, हमारी शादी हुई। जब हमारे कुंडलियाँ मिली थी, जन्म पत्री जिसको कहते हैं, तो देखो हमारी जो थे वो 17 जो गुण हैं, 17 गुण वो मिले थे, 17 गुण जो कि एक एलिजिबिलिटी हम कहें शादी के लिए, तो 18 मिनिमम माने जाते हैं कि 18 मिले तो अच्छी बात है, तब शादी होनी चाहिए। 17 बहुत कम है, 17 बहुत कम है। लेकिन हमारी शादी हुई और बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ हम लोग जी रहे हैं। 19 साल हो गए हैं मेरी शादी को, हमारे 2 बच्चे हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक अच्छे रिलेशनशिप का बेस क्या रहता है। देखिए, मेरे बहुत शुरू से ही ये ख्वाहिश थी कि मैं समाज के लिए काम करूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट बन के देश और समाज की सेवा करूँ। जब बच्चे हुए फिर इनको पालने की इसमें लग गए, पहले मैं स्कूल में डिफरेंट इंस्टीट्यूट में मैंने टीचिंग करी, पढ़ाया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई जहाँ मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक साइकोलॉजिस्ट बन के ही समाज की सेवा करनी है। तो जहाँ एक रिश्ता जिसका आधार प्यार होता है वो हमेशा सेक्रीफाइस पे काम करता है। बहुत सारे चैलेंजेस हम दोनों ने मिलकर फेस करे, क्योंकि बहुत टफ होता है शादी के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना, और मैंने तो शादी के बाद से, अभी मुझे 19 साल हो गए, मेरी स्टडीज़ कंटिन्यू ही हैं, मैंने कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, बहुत सारे डिग्रीज डिप्लोमास मैंने उसके बाद करे। तो बहुत सेक्रीफाइस करा कि ठीक है। और ये क्यों मैंने सोचा कि मुझे एक साइकोलॉजिस्ट ही बनना है, मैं बताना चाहती हूँ आपको, क्योंकि मैंने आसपास बहुत सारे सुसाइड्स देखे अपने आसपास, अपने 2 फ्रेंड्स के भाई जिन्होंने सुसाइड कमिट करा, और अपनी एक कज़न सिस्टर, काफ़ी बड़ी थी वो दीदी हमारी, तो उन्होंने भी डिप्रेशन में आके ये चीज़ कर ली। तो बहुत दुख हुआ जब आसपास इस तरह की चीज़ें, और लोग ये कहते थे कि इनके तो दिमाग में फ़र्क पड़ गया था। एक पड़ोस में जब किसी ने, लड़के ने सुसाइड करी, अपने आप को हैंग कर लिया, तो बहुत अजीब जैसा एक्सप्रेशन लोगों का वहाँ था, जो मुझे बहुत दुख हुआ। और आप यकीन नहीं मानोगे कि इतना वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, मैंने अपने हस्बैंड को भेजा कि कुछ हो गया आप देखो जाके। मेरा छोटा सा उस टाइम बच्चा था, जब ये गए तो वो लड़का रस्सी पर लटक रहा था, इन्होंने परिवार के साथ उसको नीचे उतारा, फिर हॉस्पिटल लेके गए वो, उनकी फैमिली जब भी घर वापस आए तो इन्होंने कहा कि वो सरवाइव नहीं करेगा, और मुझे बहुत पीड़ा हुई। और आसपास के लोगों का रिएक्शन था कि इसके दिमाग में फ़र्क था, ये ऐसे ही घूमता था, ऐसा इसने कर लिए तो क्या बड़ी बात होगी। और उस दिन से मुझे, मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग हो गया। इवन मेरे छोटे छोटे बच्चे थे जब मैंने पढ़ाई शुरू करी, बेटा मेरा 1 साल का था, बेटी 6 साल की थी, 2 बच्चों के साथ मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी, मास्टर्स करा,
और फिर प्रैक्टिकल्स के लिए शिमला जाना, क्लासेस लगनी, इतना छोटा बच्चा, दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, वहाँ स्नोफॉल होता है, वहाँ पे हमें चलने ही नहीं आता। तो दो तीन बार तो ऐसा हुआ कि इतनी टफ सिचुएशन में मैं वहाँ फंस गई, वहाँ से चलना, नीचे उतर के देखूँ तो जब सुबह गई थी तो रास्ता साफ था किसी के साथ, तो चली गई मैं अपना प्रैक्टिकल देने। लेकिन जैसे ही मैं वापस आई प्रैक्टिकल दे के, तो ऊपर से देख रही तो नीचे कोई ऐसे लग रहा है कि एक सिर्फ बर्फ का ही पहाड़ है और घर कहीं नहीं दिख रहा। मैं कहाँ नीचे उतरूँ, मुझे बर्फ़ पे चलना नहीं आता। ये छोटे बच्चे के, दोनों बच्चों के साथ वहाँ नीचे थे जहाँ हम ठहरे हुए थे। बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि आज हम रिश्तों में पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, ये क्या है जो हम मिस कर रहे हैं। एक सच्चे और अच्छे रिश्ते का, प्यार भरे रिश्ते का, अगर हम शादीशुदा भी हैं, हम ये चीज़ें मिस करते हैं। सेक्रीफाइस जो हमेशा मेरे पति ने मेरे लिए करा, मैंने भी उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करी, ऐसे नहीं है, मिलजुल के ही होता है। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरा ये सपना था, पैशन था, एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में काम करना, सेवा करना समाज की, देश की। तो उन्होंने मेरे पैशन को समझा, मेरे करियर की चॉइस को, जो मेरे थॉट्स थे उसके पीछे, जो मेरी एक सोच थी, पर्पस था, उसकी रिस्पेक्ट करी। सो रिश्तों में रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट ये नहीं है कि आप करके बोले आगे पीछे घूमे, नहीं, रिस्पेक्ट आपके ओपिनियन की, आपकी थॉट्स की, आपके पैशन की रिस्पेक्ट करना, जो हमेशा मुझे मेरे रिश्ते में मिली अपने हस्बैंड से। हमेशा इन्होंने मेरे लिए सेक्रीफाइस करा। फिर जब मेरे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स थे, मैंने अपना जो भी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करे हैं, मैंने चंडीगढ़ में ही करे हैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास, तो मैं वहाँ जाती थी, महीने भर मैंने रहना, साल में मैंने 6-7 बार विजिट करना, बच्चों को छोड़ के इनके पास जाना। तो इन्होंने बच्चों को, दोनों बच्चों को संभालना, इतना छोटा बेटा था, बेटी स्कूल जाती थी, तो दोनों बच्चों को संभालना, एक एक महीने तक संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा सपना पूरा हो सके, बहुत सारे सेक्रीफाइस करें। बहुत चीज़ें हैं जो एक रिश्ते में चाहिए होती हैं, आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करे। हमेशा मुझे वो वैल्यू मिली जो मैं चाहती थी। जहाँ मैं चाहती हूँ काम करना, मुझे फ्रीडम है, मैं वहाँ काम कर सकती हूँ। एज अ रिसोर्स पर्सन मैं जाती हूँ, कहीं भी मुझे जाना पड़ जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं, जो किसी भी एक रिश्ते का बहुत स्ट्रॉन्ग नींव होती है, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना, कि कहीं भी आप जाओ आपका पार्टनर ये नहीं पूछे आज क्यों लेट हो गए, कहाँ गई थी, क्या हुआ, किसके साथ थे। कभी मेरे से ये सवाल नहीं पूछा गया कि आप गए थे, अगर हम कभी लेट, वैसे तो हम होते ही नहीं हैं, मान लो कहीं गाड़ी में है, कोई दिक्कत आ गई, लेट हो गए, कभी नहीं मुझसे ये सवाल पूछा गया, मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं पूछा। उनको पूरा ट्रस्ट है, मैं खुद पूरी रिपोर्ट शाम को देती हूँ कि आज मैंने क्या करा है, क्या हुआ है, एक एक पल की रिपोर्ट मैं खुद देती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है इनको बताना। हमेशा मैंने अपने जीवन साथी में एक फ्रेंड को देखा, मुझे कभी नहीं लगता कि हस्बैंड है, मेरे से 4 साल बड़े हैं, लेकिन मैंने कभी महसूस ही नहीं करा कि मेरे से बड़े हैं और 4 साल बड़े। मुझे ऐसे लगता है एक दोस्त है, जिसे कुछ भी आप बोल दो, मन की बात, जो भी चल रहा है, कुछ भी इनके लिए भी बुरा चल रहा है, बुरा लग रहा है, आप खुल के बोल दो। तो ऐसे रिश्ते जहाँ ओपन कम्युनिकेशन हो, जहाँ दूसरा पार्टनर आपको सुनता है, समझता है, आपकी थॉट्स की रिस्पेक्ट करता है, आपको वैल्यू देता है, आपको टाइम देता है। जब भी हमारे पास बहुत अच्छा टाइम रहता है, ऐसा नहीं है क्योंकि हम किसी मेट्रो सिटी में नहीं हैं कि बहुत बिजी जैसा और ऐसा शेड्यूल है कि दौड़ भाग वाली ज़िंदगी, ऐसा यहाँ हिमाचल में नहीं है। हमें बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने को मिलता है, क्योंकि हम किसान हैं तो हम खेतों में भी काम करेंगे तो इकट्ठे काम करेंगे, हमें अच्छा लगता है, बाहर घूमेंगे, मार्केट जाएंगे, शॉपिंग करेंगे बच्चों के साथ। हमेशा मेरे हस्बैंड ने मुझे टाइम दिया जो एक वाइफ को, एक पार्टनर को मिलना चाहिए। तो सच्चा प्यार वही है जहाँ आपको टाइम मिलता है, आपकी केयर की जाती है। आप यकीन नहीं मानोगे, पिछले साल मैं बीमार हुई, मुझे टाइफाइड हो गया कोविड टाइम में, जब कोविड चल रहा था, सेकेंड वेव, मुझे भी टेम्परेचर आया एक दिन, ऐसे मैंने चेक करा और मैं तो डर गई, मैंने कहा ये कोविड ही है शायद। 2-3 बार मेरे टेस्ट भी हुए, कोविड रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, लेकिन टाइफाइड मेरा बढ़ गया था क्योंकि हम कोविड के चक्कर में ही फंसे रहे। आप यकीन नहीं मानोगे कि एक महीना मेरा टेम्परेचर नहीं टूटा, मेरा बुखार जो था वो लगातार एक महीना बना रहा। दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं है, आयुर्वेदिक मेडिसिन मैं उस पर ज़्यादा रहती हूँ, हम वही ट्रीटमेंट लेते हैं। तो एक महीना मेरे हस्बैंड ने मुझे बेड पे खाना दिया 3 टाइम का, जो भी मेरा ट्रीटमेंट था, मेरी एलोपैथिक 1 हफ्ता, 10 दिन मेडिसिन वो भी चली, आयुर्वेदिक मेडिसिन में उसमें परहेज बहुत रखना पड़ता है,
और क्योंकि मुझे भी डर था कि कहीं कोविड ना हो, तो 24 डेज तक मैंने खुद को आइसोलेट करके ही रखा था। तो हर एक चीज़, हर एक काम मेरा 1 महीना करके दिया, जो कि शायद बहुत मुश्किल होता है एक जेंट्स के लिए, लेकिन उन्होंने इतना केयर करा, जो एक सच्चे प्यार की निशानी है, क्योंकि उनको ये लगता है कि इतने सालों से मैं उनके लिए इतना काम कर रही हूँ, तो क्या अगर 1 महीना ये बीमार हो गई तो मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता। वो सोच के और वो सारी चीज़ें, इवन शाम को, क्योंकि बहुत बिजी हो गया था शेड्यूल, जब मुझे भी देखना, बच्चों को भी देखना, घर में पेरेंट्स इनके, अब मैं काम नहीं कर रही हूँ तो इनको फिर वो जगह मेरी लेनी पड़ी। तो जब शाम को, आप यकीन नहीं मानोगे, घर का सारा काम निपटा के, जैसे एक औरत बर्तन धो के फ्री होती है, तो 10:30 के बाद या 11 बज जाते थे, और मैं पूरा दिन अकेली, क्योंकि एक कमरे में मैं अलग थी, तो जब 11 बजे मैंने शाम को इंतज़ार करना, दूर दूर हम कुर्सियाँ लगाते थे बात करनी, दिन में 2 बार मेरे पास बैठते थे, बड़े दूर से हम बात करते थे, मैं ही खुद बोलती थी, तो मैंने उदास हो जाना कि पता नहीं अब मैं ठीक भी होंगी, क्योंकि बहुत लंबा ये मेरा टेम्परेचर जा रहा है। तो मैंने तो मायूस भी कभी हो जाना, क्योंकि कोविड चला था, यहाँ डेथ का सुन रहे, वहाँ सुन रहे, तो इन्होंने बहुत मुझे हौसला देना, बार बार मेरे पास आना, दूर से ही मुझे देखना, टाइम टू टाइम मुझे हर चीज़ देना, पूरी परहेज से जो भी मेरा खाने पीने का था, सारी चीज़ों का ध्यान रखना। सो एक सच्चे प्यार में केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें रिश्ते के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आज हम ये सोचते हैं कि हम सिर्फ दें ना और हम लें। रिलेशनशिप जो है वो दोनों तरफ से होता है। अगर मैं इतने टाइम से कर रही हूँ चीज़ें, और जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो इनको भी ये लगा, क्योंकि मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, कि मुझे भी इसकी केयर करनी है, क्योंकि ये इतने सालों से हमारी कर रही है। सच्चा प्यार यही है, जहाँ आपकी इतनी केयर होती है, जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ खुल के अपने दिल की बात बोल सकते हैं, जहाँ आपको पूरा टाइम दिया जाता है, जहाँ आपको प्रायोरिटी दी जाती है। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी ज़िंदगी का जो अल्टीमेट गोल है, बाकी चीज़ें तो साथ चली रहेंगी, ये यूट्यूब चैनल, ये क्लाइंट पेशेंट देखना, लेकिन जो मेरी खुद से, जब मैं 10 साल की थी तब से मैंने एक सोच बनाई थी कि मुझे समाज के लिए काम करना है, लेकिन समाज के किस वर्ग के लिए मुझे ज़्यादा काम करना है, वो उस वर्ग के लिए है जहाँ हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। आपने फ़ोटोज़ देखी होंगी, मैंने डाली, हम मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, तो उस वर्ग के लिए जो बहुत नीचे वाले स्तर पे हैं, जहाँ तक किसी की नज़र नहीं जाती, ये मेरा सपना था। और मैंने शादी के बाद इनको बताया था कि जब मैं थोड़ी अपनी जिम्मेवारियों से फ्री हो जाऊँगी, मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो मुझे ये चीज़ साइड बाय साइड करनी है, और एक वक्त ऐसा आएगा तो शायद मैं सारी चीज़ें छोड़ के लास्ट में इसी के लिए अपनी लाइफ जो है वो डेडिकेट कर दूँ। तो आप यकीन नहीं मानोगे, कोई और होता तो और किसी और को गुस्सा भी आता कि अब ये चीज़ों में पड़ जाएगी, या इतना टाइम स्पेयर करना। अभी भी मैं संडे को गई थी तो 5 से 7 मेरी सारी फैमिली, बच्चे और ये, हम इकट्ठे गए थे, हमने 2 घंटे उन लोगों के साथ बिताए जो स्लम एरिया में, उनसे बातें करी, उनकी दिक्कतें, उनके लिए अब हम काम करेंगे, मिल के काम करेंगे इनके सहयोग से, और लोगों का भी मैं सहयोग लूँगी जिनको मैं जानती हूँ, तो प्रशासन का मैं सहयोग लूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा इंसान जो आपको इतना समझता है कि आपका सपना उसका सपना है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है उसको रिस्पेक्ट दी जाती है, आप बीमार होते हैं आपकी केयर की जाती है एक बच्चे की तरह, आप जो परेशान होते हैं तो एक दोस्त अपना कंधा देता है कि यहाँ सर रख के जो भी दिक्कतें हैं मुझे बता दो, मैं हल निकालूंगा, मैं हमेशा साथ रहूंगा। तो मैं आज जितने भी मैरिड कपल हैं, या जो शादी के रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, या जो रिलेशनशिप में भी हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि रिश्ते या प्यार ऐसे नहीं मिलता, ये दोनों तरफ से होता है। ठहराव ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आज लोग कैसे रिश्ते बना रहे हैं, 2 दिन मिलते हैं, 3रे दिन फिज़िकल होने की बात करते हैं, फिज़िकल रिलेशन बनाने की बात करते हैं, और 1 महीने 2 महीने बाद उनके रिश्ते टूट जाते हैं। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, क्या रिश्ते की नींव यही है? आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं और मेरे हस्बैंड, हम 19 साल से इकट्ठे हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में और मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी में मैं ही हूँ, और इनकी ज़िंदगी में मैं हूँ, और मेरी ज़िंदगी में ये है। कहने का मतलब ये है कि आज तक हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें भी किसी के साथ इन्वॉल्व होना है, रिलेशनशिप बनाना है, दोस्ती, ठीक है दोस्ती हम कर सकते हैं, ठीक है वो हो सकती है, लेकिन वो फ्रेंड्स मेरे भी हैं, लेकिन
पता है फ्रेंड्स हैं, लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं सोचा कि हम एक दूसरे के पूरक नहीं हैं। हमें बाहर किसी के साथ और किसी के साथ ऐसे रिलेशन बनाने, वो कभी हमारे दिमाग में ही नहीं आया, कभी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बहुत सारे कारण जो मैंने आपको बताए, क्योंकि ये सारे ऐसे कारण हैं जो हमें एक दूसरे के लिए पूरक करते हैं, पूरक बनाते हैं, एक दूसरे से अलग ये दूर जाने ही नहीं देते, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे रिश्ते में हैं जो एक रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। सो मैं आज सभी लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं, पति पत्नी हो सकते हैं या रिलेशनशिप में लोग हो सकते हैं, या फिर जो अभी शादी के रिश्ते में बंधने वाले लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, देखिए हर रिश्ते में अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, पेशेंस होनी चाहिए। हर चीज़ एकदम से नहीं होती। अगर मैं बोलूं कि हमारा रिश्ता जैसे ही शादी हुई और इतनी क्लोज बॉन्डिंग और इतना सब हो गया, तो वो नहीं हुआ। हमें भी वक्त लगा, हम भी लड़ाई झगड़े छोटे मोटे चीज़ें करते हैं, वो डेली भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन वही बात ना कि हम उसमें उलझते नहीं हैं। मान लो हस्बैंड नाराज होकर आ चले गए, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, तो मैं फिर थोड़ी देर बाद उनके ऑफिस में फ़ोन करूंगी, इनको फ़ोन करूंगी कि पहुंच गए, क्या है, कैसे है, मना लूंगी, या मैं नाराज़ हूं तो ये मुझे फ़ोन करेंगे दिन में और हम ठीक हो जाते हैं। बस इतनी सी चीज़ें, यानी कि उसमें हम ये नहीं देखते कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं, मैं छोटा हूं, या कुछ भी। हम ये देखते हैं कि ठीक है, मुझे मनाना है, बात हो गई सुबह किसी बात पे, चलो थोड़ी बहुत ही हमारी बहस होगी, वो हो जाती हैं। लेकिन फिर आगे ये नहीं है कि इन चीज़ों को बढ़ाना है, जो आज के जनरेशन करती है। हम चाहते हैं कि हर चीज़ मेरे कहने पर अभी हो जाए। हम वर्ड यूज़ करते हैं, हम एडजस्ट कर रहे हैं, हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। मैंने ये चीज़ कभी नहीं सोची कि हम दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि हम तो बहुत खुश हैं। मैं तो सबसे ये कहती हूँ, इवन आप ये सुन के हैरान होंगे, हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी जो हमारा कपल है, मेरे और मेरे हस्बैंड की, सभी कहते हैं कि ऐसे ऐसे कपल होने चाहिए, तो कभी लड़ते ही नहीं हैं, कभी इनकी बात ऐसी चीज़ें नहीं होती, कभी भी हमारा ऐसा कोई इशू नहीं हुआ जो दूसरे लोगों को रिजॉल्व करने पड़े, जो परेशानी हमारे बीच ऐसी कभी नहीं आई, हालांकि लोगों ने बहुत कोशिश करी। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ बहुत कम्फर्टेबल रही, इवन हमारे अपने ही लोगों ने बहुत कोशिशें करी हमारे बीच में बहुत कुछ करवाने की, लेकिन हमारा प्यार, हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी तीसरा, कोई भी मैं कह रही हूँ, कोई भी, उसकी कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि हमारे बीच आ सके, चाहे वो कोई भी हो। फिर कहने का मतलब ये, चाहे हमारे अपने हो, कभी भी ऐसा हो ही नहीं पाया कि हम दोनों को अलग कर सकें, हमारे दोनों के बीच में मतभेद पैदा कर सकें। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी एक दूसरे के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है, केयर है, लव है, रिस्पेक्ट है, एक ओपन कम्युनिकेशन है। एज अ फ्रेंड हम एक दूसरे को डील करते हैं, प्रायोरिटी एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे की वैल्यू करते हैं, वो सारी चीज़ें किसी तीसरे को हमारे बीच में आने ही नहीं देती हैं। अगर आप भी इस तरह से अपने रिश्ते को बनाना चाहते हैं, तो जो मैंने बातें बताई एक बार करके आप देखें, आप देखें तो सही क्या ये चीज़ें कितना असर डालती हैं या नहीं डालती। जब आप इस तरह से कुछ करेंगे, जो मैंने आपको बताई अपने लाइफ की स्टोरी, देखिए क्योंकि मेरे पास कितने क्लाइंट आते हैं जो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या लड़ाई झगड़े हैं, तो बीच में मैं उनको अपना एग्जांपल रखती हूँ कि ज़िंदगी को बनाना, अच्छा करना है ना, बेहतर करना है मैरिड लाइफ को, तो कॉन्शियस एफर्ट्स डालने हैं। हमें ये लगता है कि ठीक है, एक बार शादी होगी, अब क्या दिक्कत है, अब चाहे हम लड़ाई झगड़ा करें, वैल्यू करें ना करें, टाइम दे ना दे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते रहें और कुछ उल्टी सीधी चीज़ें करते रहें, शादी चल जाएगी। ऐसा नहीं होता। इस चीज़ का मुझे शुरू से ही नॉलेज था, क्योंकि मैं इस फील्ड की हूँ, साइकोलॉजी फील्ड की हूँ, वैसे भी क्योंकि मैं एक इमोशनल ह्यूमन बींग हूँ, स्पिरिचुअल बींग हूँ, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हूँ, और मेरा दिल बहुत सॉफ्ट है दूसरों की फीलिंग्स को समझना, जो इंटरपर्सनल हमारी स्किल्स होती हैं, दूसरों के भाव को समझना, एम्पैथेटिक स्किल्स, और वो चीज़ें मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझना जानती हूँ। सो यही कारण है कि हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो पाई। लेकिन मेरे हस्बैंड में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। पेशेंस, मैं कहती हूँ कि इतनी पेशेंस आप में है कहाँ से, मेरे में थोड़ी कम है, इनमें बहुत ज़्यादा है।
और दूसरों को समझना, उनको प्यार करना, रिस्पेक्ट देना, वो इनकी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तो कुछ मिली जुली हमारी जो क्वालिटीज़ थी, और मैं ये आप सबसे कहना चाहूँगी, हम दोनों ने कॉन्शियस एफर्ट्स हमेशा अपने शादी में, इस रिश्ते में डाले हैं। ऐसा नहीं है कि जो चल रहा है उसको हमने चलने दिया, कि जैसे लाइफ चल रही है अब तो शादी हो गई है, लेकिन हमने हमेशा कॉन्शियस एफर्ट्स डाले हैं और उसी वजह से आज हमारी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी है। कि आज मेरा मन हुआ कि मैं भी इतने वीडियोस टॉपिक पे डेली लेकर आती हूँ, तो क्यों ना आज मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ, अपनी ज़िंदगी की कहानी कि किस तरह से हमने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को इतने अच्छे से, इतना बेटर बनाया है। सो कमेंट करके मुझे ज़रूर ये लिखें कि आपको मेरी कहानी कैसे लगी। आज मैं ये नहीं कहूँगी कि इस वीडियो पे आप कमेंट डालें, मैं ये कहूँगी कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी, मेरी जो मैरिड लाइफ की स्टोरी है, हमारे प्यार की कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखें। और इसी तरह से अपना प्यार और सहयोग मुझे हमेशा रहें, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है आपके इस प्यार और सहयोग की। जो जिम्मा आप मैंने उठाया है उन लोगों के लिए, उनकी हेल्प के लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। अगर आपका आशीर्वाद रहा, आपका सहयोग रहा, तो बहुत चीज़ें हम उनके लिए कर सकते हैं। अभी संडे को फिर मैं उनसे मिलने जाऊंगी, बहुत इश्यूज़ हैं जो मैं आपके सामने भी लेकर आऊंगी, उनकी लाइफ स्टोरीज़, ताकि आप उन चीज़ों को समझें। और सेंसिटिविटी जो है, एक संवेदनशीलता हम सभी अपने मनों में, समाज में लेकर आए, ताकि एक बेटर सोसाइटी को हम बना सकें। सो आपका प्यार और सहयोग मुझे चाहिए, जो निरंतर मिल भी रहा है, लेकिन और ज़्यादा सहयोग की मुझे ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो में भी आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। थैंक यू।